हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे देश के जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है और उस पैसे के भुगतान के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को 5,000 करोड़ रुपये देने का हुक्म जारी किया है। 5,000 करोड़ रुपये देने का आदेश जारी किया है और जिसके तहत 18 जुलाई 2023 को माननीय अमित शाह ने एक पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम है mockrefund.crcs.gov.in। इस पोर्टल पर जिन लोगों ने फॉर्म को भरा और फॉर्म भरने के बाद पैसों वापसी के लिए वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफ़र होगा, उनका पैसा उनके बैंक खाते में कब आएगा। और दूसरी वो लोग हैं जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, पोर्टल पर क्लेम नहीं किए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी करे, कोई नोटिस जारी करे और उसमें बताए कि उनका पूरा पैसा कब उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनका पूरा पैसा एक ही मर्तबा में उनके बैंक खाते में कब भेजा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, अपना क्लेम यहाँ पर नहीं किए हैं, तो वो लोग अपने पैसे को रिफ़ंड कैसे करा सकते हैं। जो लोग अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, अपने फॉर्म को यहाँ पे नहीं भरे हैं और वो क्लेम नहीं किए हैं, तो उनका पूरा पैसा एक ही मर्तबा में उनके बैंक खाते में किस प्रकार से आएगा। और दूसरे वो लोग भी जो ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं और अभी तक उनका पैसा उनके बैंक खाते में नहीं आ रहा है, 45 दिन 50 दिन या इसी प्रकार से 60 या 70 दिन भी हो गया है लेकिन उनका पैसा उनके बैंक खाते में अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, तो इस सिचुएशन में उनको क्या करना है, उनका पैसा उनके बैंक खाते में कब भेजा जाएगा, वो क्या करेंगे कि उनका पैसा उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि जो अभी तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, पोर्टल पर जाकर अपना क्लेम नहीं किए हैं और उनका पैसा यहाँ पे मोटा है यानी ज़्यादा पैसा है, तो उनको क्या करना होगा, इस सूरत हाल में वो क्या करेंगे कि उनका पैसा एक ही मर्तबा में उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये करना होगा कि आपको यहाँ पे सरकार को एक पत्र लिखना होगा, यानी आपको एक दरखास्त लिखना होगा और उस दरखास्त को लिखकर आप सरकार को भेजेंगे, तभी यहाँ पे आपका पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि आपके पैसा मिलने का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सरकार को एक पत्र यानी एक दरखास्त लिखना होगा और उसमें आप अपने पूरी डिटेल्स, आप अपने पूरी समस्या बताएंगे कि मेरा इतना पैसा इसमें डूब गया है, हम बहुत मजबूर हैं, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पैसे को हमारे बैंक खाते में जल्दी से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तभी आपका पैसा आपको मिल सकता है, नहीं तो यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से उस आवेदन पत्र को यानी दरखास्त को पत्र को डाउनलोड करना है, आप कहाँ से दरखास्त को डाउनलोड करेंगे और आपको किस एड्रेस पर भेजना है और कहाँ भेजना है, उसकी तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आवेदन पत्र डाउनलोड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उस पत्र में, उस दरखास्त में क्या लिखा गया है, उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, चलिए उसको यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पूरी बात समझ में आ जाए और उसके बाद से आप यहाँ पे इस पत्र को, इस दरखास्त को सरकार के एड्रेस पर भेज देंगे और सरकार देखेगी तो हो सकता है कि आपके पैसे को बहुत जल्द आपके बैंक खाते में भेज दिया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम अपने आवेदन पत्र को, अपने दरखास्त को ओपन कर लिए हैं, इसी आवेदन पत्र को, इसी दरखास्त को आपको सरकार के एड्रेस पर भेजना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट यानी दिनांक को लिख लेंगे, जिस डेट को आप इस आवेदन पत्र को भेजेंगे तो उस डेट को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सेवा श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार साउथ ब्लॉक रायसीना हिल नई दिल्ली 110011। तो आपको इसी एड्रेस पर अपने इस आवेदन पत्र को भेजना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विषय बताया गया है कि देश के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का लुटेरा सहारा श्री सुब्रत राय को जेल की जगह बेल के लिए देश के चौकीदार को लानत पत्र। महोदय, मैं एक सहारा इंडिया जमा करता हूँ जिसका पैसा पिछले कई सालों से सहारा श्री सुब्रत राय द्वारा वापस नहीं किया जा रहा है और पहले सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग से क्यों शब फिर विभिन्न सोसाइटियों में
कन्वर्ट कर दिया गया। ये कि RBI के द्वारा सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द कर दिया गया, मगर फिर भी पूरे देश में सहारा इंडिया का बोर्ड लगाकर शाखा चलाकर गैर कानूनी तरीके से पैसा का वसूली कर धोखे जबरन कन्वर्ट किया जाता रहा, जिसके खिलाफ SFIO की जाँच के बाद माननीय वित्त मंत्री श्री सीतारमन ने संसद में स्वीकार भी है। पूरे देश के जनता के गाढ़ी कमाई का लुटेरा सुब्रत राय को जेल की जगह लंबा पेरोल दिया गया है, मगर देश के तथाकथित चौकीदार ने चूक तक नहीं किया, जिससे पूरे देश की जनता काफ़ी आहत है। यह कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश 22 मार्च 2022 के बाद हमने सेंट्रल रजिस्टर्ड कॉपीराइट सोसाइटी का पैसा वापसी के लिए लाखों शिकायतें भेजा था, जिस पर सहारा इंडिया प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई कर सूद समेत पैसा वापस करने की जगह हमसे बिना पूछे श्री अमित शाह केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने सहारा श्री से समझौता कर लिया, जिसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपये का सेंट्रल रजिस्टर के खाते में ट्रांसफर का आदेश जारी किया है। ये कि जिस पैसा को वापस करने के लिए अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन 18 जुलाई 2023 को किया, मगर यहाँ भी उन्होंने चालाकी से पूरा बकाया पैसा एक बार में न देकर 45 दिन में मात्र 10,000 रुपये देने का भरोसा दिलाया है, भले ही आपका बकाया 10 या 50 लाख ही क्यों ना हो। उसके बाद आप दूसरे पेज पर आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर किसी जमाकर्ता का 10,000 रुपये फंसा है तो उसको तो एक बार में पैसा मिल जाना चाहिए, मगर यदि 10,000 से ज़्यादा है तो बाकी का पैसा कब तक दिया जाएगा वह न तो अमित शाह ने बताया है और न ही उक्त नियम का अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा वर्कवाइज के द्वारा आपको 31 जुलाई 2023 को 10 मांगों का आवेदन भेजा गया है। ये कि आज 45 दिन से ज़्यादा बीतने के बाद भी उपरोक्त मांगों का लागू नहीं किया गया है, जिससे देश की जनता में काफी रोष है। आज हम देश के तथाकथित चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार को लानत भेज रहे हैं कि उपरोक्त मांगों को जनहित में अविलंब लागू करते हुए आम जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले सहारा ग्रुप की संपत्ति के नीलाम कर हम जमाकर्ताओं का पूरा पैसा एक बार में सूद समेत वापस करें, अन्यथा आगामी चुनाव में जनता के वोट के लिए चोट के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पे एक पत्र है, इसी दरखास्त को इसी पत्र को आपको माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब को भारत सरकार के एड्रेस पर भेजना है। जब ये आप इस पत्र को भेजेंगे और यहाँ पे ये पत्र काफ़ी संख्याओं में हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में जब ये पत्र को भेजा जाएगा तो हो सकता है कि आपका पैसा आपके बैंक खाते में बहुत जल्द भेज दिया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पे आप अपना नाम और आप अपना एड्रेस यानी पता को टाइप कर देंगे और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भेज देंगे और यहाँ पे आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। तो पत्र भेजने का पता ये है, श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार साउथ ब्लॉक रायसीना हिल नई दिल्ली 110011। तो आपको इसी एड्रेस पर इसी पता पर आपको इस पत्र को भेजना है, आपको इस दरखास्त को भेजना है। अगर आप इस दरखास्त को भेजते हैं हज़ारों की तादाद में लाखों की तादाद में अगर आप इस दरखास्त को भेजते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा आपके बैंक खाते में बहुत जल्द ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जो लोग अभी तक यहाँ पे सहारा इंडिया में सहारा पोर्टल पर अपने आवेदन को नहीं भरे हैं, अभी तक वो क्लेम नहीं किए हैं और वो चाहते हैं कि उनका पैसा एक ही मर्तबा में पूरा पैसा सूद समेत के साथ उनको पैसा मिल जाए, तो यहाँ पे आपको इस पत्र को भेजना होगा। इस पत्र को आप भेजेंगे तभी यहाँ पे आपका पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको इस पत्र को किस प्रकार से डाउनलोड करना है, इस आवेदन पत्र को इस दरखास्त को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करेंगे और इस आवेदन पत्र को भरकर और अपनी पूरी डिटेल्स भरकर आप जिस एड्रेस पर बताया गया है उस एड्रेस पर आप भेज देंगे तो हो सकता है कि आपका पैसा आपके बैंक खाते में बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने सहारा इंडिया पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, अपने फॉर्म को भर दिया है, तो उनको क्या करना होगा।
तो उनको यहाँ पे ये करना है कि आप वेट कीजिए, यानी आप इंतजार कीजिए, आज और नहीं तो कल आपका पैसा आपके बैंक खाते में जरूर भेजा जाएगा। अगर आपने यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किया है, आपने यहाँ पे क्लेम कर दिया है और सरकार ने जब यहाँ पे कह दिया है कि आपको पैसा प्रथम चरण में 10,000 रुपये मिलेगा, तो जरूर मिलेगा। और ये कब मिलेगा ये तो किसी को मालूम नहीं है, और ये भारत सरकार ही जानती है, और सारा इंडिया में जो काम करते हैं वही बता सकते हैं कि ये कब पैसा मिलेगा। हो सकता है कि ये पैसा इलेक्शन का वक्त भी मिले या उससे पहले भी मिल जाए। तो अगर आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो आप अपना स्टेटस चेक करते रहें कि आपका स्टेटस किस प्रकार से है। जैसे जैसे आपका स्टेटस यहाँ पे बदलता रहेगा और क्लेम प्रोसेस बता रहा है, तो हो सकता है 60 या 90 या 50 दिनों के अंदर आपके पैसे को आपके बैंक खाते में ज़रूर भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपकी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे मिलती रहे।